अस्सलाम वालेकुम। आज जो हज भवन में मीटिंग हो रही है उसके अंदर हमारे रऊफ भाई जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं और हमारे सीओ सरफराज साहब है और हमारे एजाज़ भाई, इस तरह से सभी ज़िम्मेदार जो हज कमेटी के मेंबर है और यहाँ पे ज़िम्मेदारी से जो भी ज़िम्मेदारी लिए हैं, हम सभी मिलके एयरपोर्ट पे विज़िट किए थे। एयरपोर्ट में इंतज़ाम किस तरीके के है बोल के वहाँ पे देख के आए, वहाँ के ऑफिसर से, वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों से, एयरपोर्ट के लोगों से, कस्टम के लोगों से, इस तरह से सभी विज़िट किए हैं हम। वहाँ पे सिस्टम पूरा लगभग 99% ठीक है। जहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू खाने, लेडीज़ जेंट्स के लिए, मेडिकल टीम के लिए और कस्टम, इमिग्रेशन, इस तरह से पूरी चीज़ें हम पर्सनली विज़िट किए हैं, खुद अपने आँखों से जाके देखे हैं, तो पूरा चीज़ अच्छी तरीके से वहाँ पे होके है। तो उसी तरह हज भवन में भी हम आके यहाँ पे भी पूरे फैसिलिटीज़ पूरे ओके है, क्योंकि सीएम कल 7 बजे सिद्धरामय्या जी से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामय्या जी से उद्घाटन है ये हज हाजी भाई जो जा रहे हैं कल का प्रोग्राम, और डिप्टी सीएम डीके साहब को अभी बुलाए हैं। इस तरह से यहाँ के एरिया के एमएलए और मिनिस्टर भैरेगौड़ा जी, कृष्णा भैरेगौड़ा जी इस एरिया के आते हैं, वो रेवेन्यू मिनिस्टर है। तो हमारे जनाब यूटी खादर साहब जो ऑनरेबल स्पीकर है वो भी आ रहे हैं, और हमारे जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो हाउसिंग माइनॉरिटी एंड वक्फ मिनिस्टर, वो भी आने वाले हैं। इस तरह से सभी एमपी एंड एमएलएस और मौजीस और हमारे उलमा क्राइम भी आने वाले हैं। तो इस तरह से बेंगलुरु सिटी से बहुत से ज़िम्मेदार लोग भी यहाँ पे रहेंगे। तो आज चुप छोटा सा आप लोगों को बुला के जो डेवलपमेंट का काम हुआ बताना बोल के आपको बुलाए हैं इसके लिए। और आपके तरफ से भी, प्रेस मीडिया की तरफ से अगर कोई सजेशन है तो लेके, क्योंकि पिछली बार कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, इस बार नहीं होना बोल के वो पूरा एडवांस में हम रेडी किए। तादाद में लोग यहाँ पर हाजिर रहेंगे सर, आम लोग भी कब से तादाद में आने वाले हैं, उनके लिए क्या इंतजाम रहेंगे? नहीं, वो तो पहले भी हमारे 1-4 दिन पहले भी एक मीटिंग हुई जब बता चुके हैं, कम से 15,000 से 20,000 लोग, जनरल पब्लिक जो भी गेस्ट को, हाजी भाइयों को छोड़ने के लिए वो लोग आएंगे। हर साल की तरह यहाँ पे हमारे मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान साहब उन्होंने अपने तरफ से एक इंतज़ाम किए हैं कि 15,000 से 20,000 डेली जितने भी लोग आएंगे उनको खाने का इंतज़ाम और जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ जो चीज़ होना चाहिए उनको, लैट्रिन, बाथरूम, जो भी तकलीफ़ नहीं होना बल्कि वो पूरे इंतज़ाम किए हैं। और हमारे हज भवन के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से भी कई इंतज़ाम किए गए हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फर्स्ट डे 5 फ्लाइट जा रहे हैं और हर फ्लाइट में 150 हाजी भाई जाएंगे जी। तो यहाँ फर्स्ट डे जो है बेंगलोर के हाजी जा रहे हैं या बाहर के हाजी जा रहे हैं? मिक्स है हाजी, और जिस तरह से उनका नंबर अलॉट हुआ है उस तरह से वो लोग जाएंगे जी। पिछले मतलब अकोमोडेशन का मसला था तो उसको हल किया गया है? नहीं, अचानक जो है बड़ी तादाद में हाजी आएंगे तो उन्हें, उनके लिए मुनासिब रहने का इंतज़ाम यहाँ पर है हज भवन में?
नहीं, पिछले बार क्या हो गया था, एक ही टाइम 2,500 हाजी भाइयों को बुला दिए थे और तीन बड़े फ्लाइट थे, और एक रीज़न क्या था, कोविड का, वो कोविड का इंजेक्शन के लिए भी पहले ही बुला दिए थे दो दिन पहले, तो उसकी वजह से थोड़ा इंतज़ाम प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन इस बार एक सिस्टम से बुलाए हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं होंगे, और फैसिलिटीज़ बहुत से बढ़ा दिए हैं। जिस तरह से लास्ट टाइम मैं समझता हूँ 25-30 लैट्रिन बाथरूम थे, तो इस बार 150 लैट्रिन बाथरूम किए, और रहने के लिए भी बहुत से अलग अलग इंतज़ाम किए हैं। बाजोग इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे जाफर शरीफ साहब का, वो भी लिए हैं, और दूसरी चीज़ें, कई चीज़ें लिए हैं। आज़मीन हज के लिए खाने का इंतज़ाम किसकी जानिब से? वो तो हज कमेटी की तरफ से हो रहा है, वो तो बहुत ही क्लास वन अच्छा खाना होगा हाजी भाइयों के लिए। फर्स्ट डे जो है ना 5 फ्लाइट जाएंगे, बाकी डेली 3 फ्लाइट जाएंगे, लास्ट डे 4 जाएंगे। टोटल 22 को 4 फ्लाइट है और टोटल 51 फ्लाइट्स है। तो और भी जो हाजी हैं जैसे बीदर के हैं, गुलबर्गा के हैं, वो कब से और कहां से वो रवाना होंगे? बीदर और गुलबर्गा के हाजी भाइयों तो हैदराबाद से करके हैं उनको, क्योंकि हैदराबाद नज़दीक होता है, तो उनको सभी को हैदराबाद कर से जाएंगे जी। तो कोई और चीफ मिनिस्टर वगैरह आएंगे तो उनके लिए कोई सजेशंस यहाँ से हज कमेटी की तरफ से या हज मिनिस्ट्री की तरफ से कोई डिमांड्स रखने का कोई मंसूबा है? नहीं, क्योंकि अब तो हम वो गेस्ट बन के आए, गेस्ट बन के आने के टाइम उतने डिमांड्स रखना ठीक नहीं रहता। ऑलरेडी मैं एडवांस में जाके हम डिमांड रख के एक 5 करोड़ रुपये सेंक्शन लिया हूँ मैं, और फाइल CM लिखे हैं 5 करोड़ इमीडिएट रिलीज़ करो बोल के, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाको है फाइल। तो किसके लिए सर 5 करोड़? हज डेवलपमेंट, हज डेवलपमेंट में, हज में जो भी प्रोग्राम्स को, जो भी मेंटेनेंस, यहाँ पे जो भी एक्सपेंस होंगे उसके लिए जी। कुछ अगर ज़रूरी कोई हिदायत वगैरह देना चाहें सर हजियों के लिए? नहीं, हाजी भाइयों के लिए तो भी जो भी सिस्टम है हमारे इंडिया का और सऊदी गवर्नमेंट का, वो फॉलो करने के लिए और हमारे देश के लिए और हमारे कर्नाटक के लिए दुआएं करें कि यहाँ बहुत ही अमन, शांति, प्यार, डेवलपमेंट हो हम सब के लिए, नौजवानों के लिए। यही तो पहली मतलब आपको हज मिनिस्टर बनने का मौका मिला और इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखें? ये बहुत बड़ा मुकाम हमको दिया है खुदा ने, तो इसके लिए हमारी कोशिश है कि पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से करें, और पहले से भी हम 15-20 साल से हज कमेटी से, हज कैंप से जुड़े हुए थे, तो हर बार हमारे विजिट तो कुछ छोटे मोटे खिदमात होते थे, लेकिन हमको भी पता नहीं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और बहुत ही बड़ा अल्लाह का करम है ये, तो ज़रूर कोशिश हमारी पूरी रहेगी, बहुत अच्छा से अच्छा निभाएंगे। इत्तेफाक से जो है चेयरमैन भी बीदर से हैं। जी सर, जी सर, अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर। हाँ, हम हर खासकर मेरा पहले से भी कॉम्बिनेशन सभी से अच्छा रहता है, तो अब तो राव भाई पहले से, लास्ट पिछली बार भी हम आए थे, और हमारे सरफराज भाई भी बहुत ही अच्छे ऑफिसर है, तो बहुत ही प्रिकॉशन लेके हम लोग जवाबदारी निभा रहे हैं। एक सवाल, हाजी जो आएंगे उनके साथ जो लोग आते हैं छोड़ने के लिए, उनका एंट्रेंस सिर्फ गेट तक है या फिर वो अंदर आ सकते हैं? नहीं, गेट तक ही, क्योंकि लोगों को फिर तकलीफ हो ना हो जाए, फिर एक कुछ छोड़े तो एक कुछ छोड़े, फिर उसमें कुछ लोग, सभी लोग कुछ ना कुछ बोल के अंदर आना चाहते हैं, तो वो मुश्किल हो जाएगी। जो हाजी यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़े मुश्किलात हुए आपको जानते हैं, जैसे कि 3 हवाई जहाज़ एक दिन में आए जिसमें 2,500 लोग हम लोगों को इधर लेना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम मैं और चेयरमैन साहब जब दिल्ली गए थे तो हम लोगों ने ये यूनियन मिनिस्टर के सामने रखा था, तो इस बार जो है छोटे से फ्लाइट 3 फ्लाइट जा रहे हैं। सो पहले दिन की 5 फ्लाइट है, बाकी के जो है 3 फ्लाइट जा रहे हैं, तो हर दिन यहाँ पर 450 हाजी यहाँ से रुखसत होंगे यहाँ से, और स्टेज बाय स्टेज जा रहे हैं, तो हमको यहाँ पर दिक्कत नहीं है। हम ऑलरेडी एजाज भाई ने उसका एक्शन प्लान बना रखा है यहाँ पर, किस किस तरह जाना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम सब कुछ किया है,
जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा लास्ट में टॉयलेट्स की भी दिक्कत थी, हम लोगों ने कैंप में जो है 100 टॉयलेट्स लगाए हैं, 50 लेडीज़ के लिए 50 जेंट्स के लिए लगाए हैं, और अंदर भी 30 पर 6 और बाकी के अंदर पूरे 150 टॉयलेट्स जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा एक बार हज कैंप में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स भी इधर हैं, काम कर रहे हैं। जो लास्ट टाइम की जो खामियाँ थी उस खामियों को है ना दूर करने के लिए हम लोग ऑलरेडी इसलिए काम किए हैं। तो ऑलरेडी 3 बार मिनिस्टर साहब इधर विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी, और आप जानते होंगे कि इस बार लोगों की तादाद भी ज़्यादा होगी जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम के लिए आने वाले जो लोग हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, हज कैंप में एक ऑलरेडी एक और स्पेशल अरेंजमेंट किया है जहाँ से 1.5 से 2 हज़ार लोग उधर बैठ के देख सकते हैं। उधर टीवी का इंतज़ाम भी है, अगर जो प्रोग्राम जो है इधर फुल हो गया तो उधर भी इंतजाम किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार कोई लास्ट टाइम की जो कोई जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। तो सब इंतज़ाम हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। तो हाजी के जो रिश्तेदार हैं उनसे गुजारिश है कि वो हज कैंप में ही रहें, जो भी हाजी जाना मिलना चाहते हैं वो कैंप में जाके उनको मिलेंगे, जो भी है बना के ना वो कैंप, हाँ वो कैंप में जाके मिलेंगे। तो वहाँ पर खाना ने जमीर अहमद साहब ने तो खाना लंगर लगा रखा है, उधर खाने पीने का इंतजाम तो ऑलरेडी वहाँ हो गया है। तो हाजी के जो रिश्तेदार हैं उधर रहते हैं, जो भी हाजी जाना मिलना चाहते हैं तो यहाँ से कैंप से जा सकते हैं, मिलकर वापस आ सकते हैं। तो हम लोगों ने गेट्स में मार्शल्स लगा रखे हैं, पुलिस वाले मार्शल्स रहेंगे। तो बड़े मेहरबानी सब मुझसे कोऑपरेट करें और रहना हज भवन की, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों को जो अलाउ करने के बाद बहुत टॉयलेट्स को गंदा करना या इसको थोड़ फोड़ करना बहुत प्रॉब्लम हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने हाजी के रिश्तेदारों को हम लोगों ने बाहर ही रखा है, लेकिन उनको भी बेहतरीन अरेंजमेंट कर रखा है बाहर। इस बार तो बोरवेल ही लगा दिया है, उधर बोरवेल ही लगा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि हम बताए थे कि लास्ट टाइम जो थी वो हम लोगों से करना ही सवाल, 2,500 पैसेंजर्स एक दिन और इसके साथ हर दिन 2,500 लोग आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल का काम था ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह पर हम लोगों ने ये जो सवाल था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमारी जो प्रॉब्लम्स थे उनको समझा और उनको अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग इस जो प्रॉब्लम है सच हुआ है प्रॉब्लम, इसको हम इसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बोल के ये फ्लाइट शेड्यूल आया है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। जरूर कमेटी के अमले के अलावा और गवर्नमेंट स्टाफ के अलावा वॉलंटियर्स कितने हैं पूरे हज कैंप? फिलहाल 200 वॉलंटियर्स हैं जो पहले से काम करते आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब काम अपनी अपनी जगह काम करते हैं, लास्ट टाइम भी बहुत बेहतरीन काम उन्होंने किया है, इस बार भी बेहतरीन काम करेंगे। तो मिनिस्टर साहब की सरपरस्ती में, चेयरमैन साहब की सरपरस्ती में हम ये कैंप जो है बेहतरीन से बेहतरीन करने का हम हज कमेटी ने इस बार हम लोगों ने तय किया है, इंशाल्लाह ज़रूर इसको। नियर बैंगलोर या 3 किलोमीटर हज कैंप के जो करीब रहते हैं वो जो है लास्ट टाइम लास्ट मिनट्स में पहुँचते हैं, तो उनके लिए कितने टाइम पहले पहुँचना है और क्या उनके लिए भी रूम फैसिलिटीज अवेलेबल? नहीं, रूम फैसिलिटी तो जो है बैंगलोर के हाजियों के लिए अगर रहना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाजी बेंगलोर के हाजी जो हैं वो है ना 7-8 आवर्स पहले आ सकते हैं या 12 आवर्स पहले भी आ सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनके लिए आसान होता है, हमारे लिए आसान हो जाता है काम। तो फिर भी अगर मैक्सिमम कितना वो देर तक पहुंच सकते हैं, फ्लाइट से कितना टाइम पहले पहुंच सकते हैं? मिनिमम 12 आवर्स पहले तो आना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ से जाने के लिए वहाँ पर ही 3 आवर्स पहले जाना एयरपोर्ट को। जी हाँ, अभी आज हमारे जनाब रहीम खान साहब मिनिस्टर म्यूनसिपालिटी और हज के जो मिनिस्टर हैं और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरदार सरफराज खान साहब, अभी हमारे साथ रहीम खान साहब जो है एयरपोर्ट का इंस्पेक्शन किए, जिस एयरपोर्ट के इंस्पेक्शन में वहाँ के बेल्स वाले, कस्टम वाले और हमारे जो विस्तारा एयरलाइंस वाले तमाम लोग मौजूद थे। रहीम खान साहब की सदारत में वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया, तमाम चीज़ें तैयार हो रहे हैं, लगभग 90% चीज़ें रेडी है और अभी 10% कुछ बाकी है, वो भी तैयारी हो रहे हैं। जैसा कि कस्टम का जो मशीन्स होते हैं वहाँ पे वो तैयार किए हैं, जो हमारा लगेज हाजी का जाना है वहाँ का हाजी का ब्लॉक रेडी हुआ है, उसके साथ साथ जो वहाँ के पिलग्रिम्स को जो हाजी को छोड़ने जाएंगे जो मैं उनके साथ जो लोग आएंगे वहाँ पे उनके लिए एक अलग से शेड मारा गया है, वहाँ पे कैंटीन लगाई जाएगी। तो तमाम चीज़ें हमारे मिनिस्टर साहब इंस्पेक्शन किए हैं और भी वहाँ के जो भी एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ है, एयरपोर्ट के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको भी कुछ चीज़ों के लिए वार्निंग दिए हैं कि जहाँ एयरपोर्ट में अंदर इंट्रेंस होते टाइम में लोग को पता चले कि यहाँ के हज टर्मिनल लगाया गया है, वहाँ पे भी डिसीजन बताने के लिए हमारे ईओ साहब और मिनिस्टर साहब भी बताएं, वो भी एक तैयार हुआ है। दूसरा एयरपोर्ट का टर्मिनल ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह कल जो 6 तारीख को इनॉग्रेशन होने वाला है हमारे रहीम खान साहब की सदारत रहेगी और उसके चीफ गेस्ट CM सिद्धरामैया जी, डिप्टी CM DK कुमार जी और हमारे
وف کے اور منصف ہمارے ہاؤسنگ کے منسٹر جناب ذہیب میر خان صاحب، اسپیکر یو ٹی خادر صاحب اور تمام منسٹرس ایم ایل ایس کل ان کی موجودگی رہی گی، ان کی موجودگی میں کل 7 بجے اس کا انوگریشن ہونے والا ہے اور جس انوگریشن میں لگ بھگ میں سمجھتا ہوں 25 سے 30 ہزار لوگ آنے کی تعداد رہے گی اور کل کا جو بتائے فلائٹ کا جو پیسنجر رہیں گے 5 فلائٹ لگ بھگ 750 حاجی جائیں گے، آلموسٹ 50% بینگلور کے حاجی رہیں گے، 50% سراؤنڈنگ میں رہیں گے، ان لوگ کو آنے کے لیے ہم نے ٹائمنگ شیڈول بھی بتا دیا ہے کہ کس ٹائم ان کو رپورٹنگ ہونا ہے، بیفور 8 آورس پہلے انہوں یہاں پہ رہنا ہے، اس کا بھی ہم نے انتظام پورا کیا ہے، جتنے بھی ہمارے والنٹیئرس کام کر رہے ہیں وہ پورے والنٹیئرس آج سے ہی ریڈی ہیں اور حاجی بھی آنا چالو ہوا ہے، حج بھون میں جتنے ہمارے 100 جو رومس ہیں لگ بھگ 600 حاجی لوگ کو رہنے کا اچھا سے ہم نے انتظام کیا، گیٹے میں کچھ پرابلم ہوا تھا واش رومس کا وغیرہ، اب پورا ریڈی ہے تو الحمدللہ اس سال اچھا سے اچھا ہمارے حج کمیٹی ممبرس، منسٹرس، ہمارا اسٹاف، ای او صاحب سبھی مل کے اچھا سے اچھا ہم لوگ انتظام کریں گے۔ جی مرکزی حکومت سے، سینٹرل گورنمنٹ سے سمتی ایرانی جی کو انویٹیشن دیا ہے، ابھی میں نے ان کے پی ایس کو بات کیا ہوں، لگ بھگ شام تک وہ لوگ کنفرمیشن دیتے بولے، اور ہمارے سینٹرل حج کمیٹی کے چیئرمین کوٹی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کل کے اس فنکشن میں انوگریشن میں رہیں گے۔